हेलो दोस्तों, आज हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 56 और 57 के बारे में बताएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 56 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी अर्थात SHO या प्रभारी निरीक्षक, जिसे आम भाषा में बोलते हैं, के समक्ष ले जाने से संबंधित है। वारंट के बिना गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना और जमानत के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। धारा 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किए जाने से संबंधित है। कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षामीन दूरित्व नहीं रखेगा, अर्थात हिरासत में नहीं रखेगा। जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है तब ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट की धारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक की नहीं होगी। यदि 24 घंटे से अधिक रखता है तो उसके कारणों का वो उल्लेख करेगा और उसका एक मेमो तैयार करेगा। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।